Assalamualaikum friends, welcome back to my channel Taste On Air. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ढाबा स्टाइल मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा इजी है। तो रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर वन, इसमें हमें चाहिए डाइस में कटे हुए आलू दो मीडियम साइज के, फूल गोभी चाहिए आपको हाफ कप, मटर चाहिए हाफ कप, मेथी चाहिए आपको एक कप, गाजर डाइस में कट हुई भी हाफ कप। तो सबसे पहले फ्राइंग पैन में दो टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और अब इसमें डाइस में कट हुए हुए आलू ऐड कर देंगे। आलू को इतना फ्राई करेंगे कि आलू हाफ डन हो जाए। तो अच्छे से गोल्डन सा कलर भी आ चुका है और अच्छे से फ्राई भी हो रहे हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मटर। मटर को भी आप थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आलू और मटर मैंने पहले इसलिए ऐड कर दिए हैं क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं, तो हम इसे पहले हाफ डन कर लेंगे। दोनों को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया और अब आप इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल और ऐड करके मज़ीद वेजिटेबल्स को फ्राई करूँगी। मैंने इसमें फूल गोभी ऐड की है, डाइस में कट हुई हुई गाजर और मेथी। आप इसमें कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, आपको जो वेजिटेबल्स पसंद है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आपने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जस्ट 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करेंगे। तो वेजिटेबल्स अच्छी सी फ्राई हो चुकी हैं, अब इन वेजिटेबल्स को भी हम निकाल लेंगे। तो अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2, इसमें बनाएंगे इसकी ग्रेवी। तो इसके लिए चाहिए आपको एक प्याज चॉप्ड हुआ हुआ, लहसुन 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चें चाहिए आपको 4 चॉप्ड हुई हुई, कड़ी पत्ते चाहिए आपको 6, टोमेटो पेस्ट 1 कप, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक यूज़ करेंगे आप अपने टेस्ट के मुताबिक, काले मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून और लाल मिर्च का पाउडर भी 1 टेबलस्पून। तो सबसे पहले आप एक पॉट में 1/4 कप ऑफ ऑयल ऐड करेंगे और अब इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरे को आपने जस्ट 1 से 2 मिनट फ्राई करना है और इसमें चॉप्ड हुए हुए प्याज ऐड करके इसको हम मज़ीद फ्राई करेंगे। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि प्याज का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड हुआ हुआ लहसुन और इसे भी थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मसाले ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स्ड करना है और इसका एक अच्छा सा मसाला रेडी करना है। मसाला रेडी हो चुका है, अब इसमें जो वेजिटेबल्स फ्राई की थी वो ऐड कर देंगे और इसको वेजिटेबल्स के साथ अच्छे तरीके से मिक्स्ड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत क्विकली। अब इसमें मैंने चॉप्ड हुई हुई हरी मिर्चें ऐड करी हैं ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए और लास्ट में गरम मसाला और हरा धनिया ऐड करके आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग हो चुकी है अच्छे तरीके से।
अब मैं इसे कवर कर दूंगी और 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 5 मिनट के बाद आप देख चुके हैं ना, ज़बरदस्त इजी टू मेक ढाबा स्टाइल मिक्स वेजिटेबल्स एकदम रेडी हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप इसको घर की रोटी के साथ सर्व करें, आप इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करें, या फिर आप इसको तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त लगता है। ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना।